ਬੜਾ ਪਾਲਿਆ ਸਭ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸਭ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਆਵੋ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਆਵੋ ਜੀ ਠਾਕਰਿਆ ਨੇ ਸਜਿਆ ਜੀ ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौपाल देखबाला सबला भाया और बहना ने राम राम। भाया बहना, आपने भारत देश की संस्कृति वेदा की संस्कृति रही है, ऋषि मुनिया की संस्कृति रही है और अपनी संस्कृति में आप गुरु ने परम पिता परमेश्वर के समान दर्जे दियो हाँ। बल्कि कबीरदास जी महाराज तो जो गुरु ने जो है परम पिता परमेश्वर से भी ऊंचा दर्जा पर बिठायो है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो आपने जो भारत देश की संस्कृति ने आप गुरु ने परम पिता परमेश्वर के समान दर्जे दिया हाँ। और आज अपने कार्यक्रम में आज जो 5 सितंबर को दिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनावा हाँ। आप अच्छी तरह जाना हाँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन को जन्म दिवस आज के दिन पड़े है और ई दिन नहीं आप जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनावा हाँ। आज ई कार्यक्रम में आप जी विशेषज्ञ ने आमंत्रित करो हाँ। वे संत भी है तो गुरु भी है, समाज सेवी भी है तो राजनेता भी है। आपको उलखाण में करा दूँ, आप हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, आप सांसद हैं सीकर का, आपको स्वागत करा। राम राम सर। स्वामी जी स्वागत है थाको कार्यक्रम में। और सबसे पहली जो आज जो शिक्षक दिवस है तो मैं थाना भी नमन करा और था के माध्यम से तमाम जो जो भी शिक्षक है इस जगत में वन सब ने नमन करा। ये बात तक के कार्यक्रम में आप आगे बढ़ा, सबसे पहली मैं था सो यही जानव चाहवा हाँ कि आप आम जीवन से पहले संन्यास धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, संन्यास धर्म अपनायो, फिर सन्यासी से राजनेता बनिया। तो आ कहानी खई है, ई के पाछे खई प्रेरणा ही, कौन सु प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, मैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे शिक्षकों के लिए एक आदर्श पुरुष बने। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किए हैं मेरे संदर्भ में कि मैं सन्यासी के रूप में और सन्यासी से राजनीति में मेरा पदार्पण कैसे हुआ, मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आर्यसमाज की रही है। 3-4 पीढ़ी से आर्यसमाज से मेरा संपर्क, मेरे परिवार का संपर्क रहा। पहले विद्यालय में गाँव में पढ़ा, उसके बाद रोहतक में पढ़ा, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। उसी अवधि के अंदर अनेक आर्य समाज के सन्यासियों के संपर्क में आने का मौका मिला। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ वहां सन 1921 में स्वामी श्रद्धानंद जी, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई, विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक रहे, उनके करकमलों से गाँव के अंदर एक पाठशाला की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया आर्यपुत्री पाठशाला। तो अनेक सन्यासी वहाँ पर आते रहे, खासतौर से मेरे जीवन पर जिन महानुभावों का प्रभाव पड़ा, महर्षि दयानंद सरस्वती के अन्य शिष्य स्वामी उमानंद सरस्वती, वो गांव में आते थे और मेरा उनसे बहुत लगाव था। मैं गुरुकुल में भी जाता रहता था, आर्य समाज के प्रोग्रामों में जाता था। उन्होंने प्रेरणा दी कि जीवन का उद्देश्य केवल मात्र खाना पीना और मौज करना नहीं है, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया वो भारत माता और समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व होना चाहिए। जिन देशभक्त लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जिंदगियाँ दी, जवानियाँ दी, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने एक पुस्तक मुझे भेंट की, रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा जी। वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो रामप्रसाद बिस्मिल का एक कोटेशन मुझे बहुत प्रभावित कर गया। रामप्रसाद बिस्मिल फांसी चढ़ने से पहले एक पुस्तक लिखते हैं अपनी आत्मकथा और उसमें लिखते हैं कि मैं आज देश के आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम रहा हूँ और मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जो युवा हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं,
क्रांतिकारियों के प्रति, शहीदों के प्रति। मैं उनको ये तो नहीं कहूँगा कि वो फांसी का फंदा चूमें और हमारे पथ पर चलें, परंतु जब तक गांव का मजदूर किसान शिक्षित नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो लोग हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वो गाँव में जाएँ, गाँव के किसान मजदूर को शिक्षित और संस्कारित करें। और उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। स्वामी उमानंद जी की प्रेरणा, रामप्रसाद बिस्मिल के शब्द, इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मेरा भी कोई फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो मैंने उसी दिन निश्चय किया कि बिना किसी प्रकार के गृहस्थ में जाए संस्कृत का अध्ययन करके और मुझे ब्रह्मचारी रह करके, सन्यासी बन करके समाज सेवा का काम करना है। फिर राजनीति तो इस दिशा में आए। उसके बाद में फिर मैंने आरिसमाज का काम किया। मैं यहाँ आरिसमाज का प्रदेश का महामंत्री रहा, यहाँ का प्रधान रहा। हमारी सार्वदेशिक सभा जो पूरे विश्व का आरिसमाज का काम देखती है, उसका मैं कार्यकारी प्रधान रहा। इस बीच बहुत सारे राजनेताओं से मेरा संपर्क रहा और ख़ासतौर से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ लिखते हैं उसमें एक बात वो लिखते हैं कि देश को राजा कैसा चाहिए, उसमें राजव्यवस्था थी, वेदों का विद्वान हो, चरित्रवान हो, समाज के प्रति समर्पित भाव हो। और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुंभाराम जी, चौधरी देवीलाल जी, माने भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर केदार, ये लोग मेरे प्रति बहुत, मेरी उनके प्रति बहुत श्रद्धा रही। राजनीति में जिस सुचिता के साथ इन्होंने जीवन जिया वो एक बहुत महत्वपूर्ण था। मैं हिसार में गुरुकुल आर्यनगर है, वहाँ पर अध्यापन भी करता था, अध्ययन भी करता था। हंसराज आर्य बादरा से एक विधायक हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप राजस्थान में काम करें। और संन्यास के लिए मुझे स्वामी उमानंद जी और स्वामी सर्वानंद जी ने प्रेरित किया। तो जब मैं समाज सेवा का काम कर रहा था तो माने एक बार भैरव सिंह शेखावत जी ने 89 में मुझे कहा कि स्वामी जी आपको राजनीति में आना चाहिए, आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं अभी जिस संकल्प के लिए निकला हूँ, जिस आर्य समाज ने मुझे प्रेरणा दी, जिस महर्षि दयानंद का मुझ पर ऋण है, कुछ उनका ऋण कम करूँ, इसलिए मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ। लेकिन इसी बीच उनसे बहुत लंबा संपर्क रहा, माने शेखावत साहब से, माने नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मेरा संपर्क रहा। अच्छा। और जब ये 14 का चुनाव आया तो उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री माने वसुंधरा जी और माने नरेंद्र भाई मोदी, दोनों की इच्छा थी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आऊं। उन्होंने मुझे अहमदाबाद बुलाया, मोदी जी ने, और अहमदाबाद बुला करके कुछ और क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। और उसके बाद चर्चा होने के बाद में तय हुआ कि आपको सीकर से चुनाव लड़ना है। यद्यपि मैं एक सन्यासी था, लेकिन देश सेवा में बहुत सारे सन्यासियों ने काम किया। राजस्थान में ही चूरू के स्वामी गोपाल दास जी, स्वामी केशवानंद जी, जो बहुत सक्रिय रहे देश की आज़ादी के लिए, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी उन लड़ी जी देश की आज़ादी के लिए। मैंने स्वामी श्रद्धानंद का जिक्र किया अभी पिछले दिनों, जलियांवाला कांड जो हुआ उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो उस समय रोलेक्ट एक्ट का जो विरोध हुआ था, सबसे बड़ी जनसभा यदि किसी ने की थी तो वो स्वामी श्रद्धानंद थे, जिन्होंने 100,000 लोगों को साथ लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था बी वक्त। और घंटा घर के सामने आप कभी देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति लगी हुई है आज भी जी। वहां अंग्रेजों ने संगीने लगा दी थी। रेलवे स्टेशन दिल्ली के सामने 4-5 व्यक्ति मारे गए थे जी। इसके बावजूद स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हिम्मत है तो गोली चलाओ। और वो देश का एक पहला सन्यासी था जिसने जामा मस्जिद की मीनार पर खड़ा होकर के 100,000 लोगों को संबोधित किया वेद मंत्र पढ़ करके। तो ये केवल देशभक्ति की बात नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात भी थी। बिल्कुल स्वामी जी, कि जामा मस्जिद की मीनार पर खड़ा होकर के एक सन्यासी थे। स्वामी श्रद्धानंद से मैंने प्रेरणा ली और भाई नरेंद्र भाई मोदी, माने भैरव सिंह शेखावत, कुंवरा मार्य, चौधरी चरण सिंह, ये मेरे आइडियल के रूप में रहे और मैंने तय किया कि राजनीति में मैं सेवा करूँ। तो अब देखो, अब बार तो थे सांसद बन ही गया हो, बल्कि दूसरी बार दूसरा कार्यकाल चाल रहा है। ये लोगों का प्यार जी, तो बधाई है कि बात के तानी तो थाने। तो केंद्र सरकार की अबार कौन कौन सी है योजनाएं जो ग्राम विकास के तानी खासकर काम कर रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन लोकसभा में प्रवेश किया 2014 में,
तो सबसे पहले उन्होंने भारत की संसद की दहलीज के ऊपर माथा टिकाया और अंदर जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद वहाँ उपस्थित थे, राज्यसभा और लोकसभा के। उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही कि मेरी सरकार गरीब, किसान, मजदूर और दलित, उस वंचित व्यक्ति के लिए होगी जिसको सुविधाएं नहीं मिली हैं। और पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किए वही काम किए, चाहे उज्ज्वला के तहत वो महिलाएं बेचारी जो कभी सोच नहीं सकती थी हमारे घर के अंदर कभी गैस का चूल्हा आएगा, 1 रुपये की बीमा योजना चलाई। बहुत सारे लोग इस प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, उनको पैसे की बड़ी दिक्कत होती थी, 1 रुपये के अंदर 2 लाख का बीमा, 322 रुपये में 4 लाख का बीमा, तो बीमा की योजना लेकर के आए, मुद्रा बैंक की योजना लेकर के आए, इतनी सारी योजनाएं लेकर के आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत हर घर को बिजली जी। और उससे पहले जहां 4-5 हज़ार रुपये में कनेक्शन मिलता था केवल 500 रुपये में कनेक्शन मिला, न लाइन का खर्चा लगा न और खर्चा लगा। इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर घर को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। हर युवा अभी उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, देश के अंदर युवाओं के अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जी, उसके अंदर फिट इंडिया फिट जी अभी किया है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन खेल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाते हैं तो हमें कुछ थोड़ा सा संकोच होता है, हमें कुछ निराशा भी होती है कि हमारे जिस प्रकार के मेडल की झोली कोरिया जैसे छोटे छोटे देश भर करके ले जाते हैं, हम क्यों नहीं भर के लाए। इसलिए पिछली बार एक योजना प्रारंभ की थी खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया का मतलब ये नहीं था कि बच्चे खेलें, जवान खेलें, हर आदमी खेले जी, 60 साल का भी खेले और 8 साल का भी खेले। जब खेल के मैदान में हम जाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं आयुष्मान भारत की योजना। वो व्यक्ति जो गरीब आदमी सोच नहीं सकता सरकारी हॉस्पिटल के दहलीज पर या प्राइवेट हॉस्पिटल के दहलीज पर जा सके, प्रधानमंत्री जी ने उस गरीब और पीड़ित व्यक्ति की उन भावनाओं का आदर किया है, उसकी पीड़ा को समझा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को गरीबी देखी है जी। तो आयुष्मान भारत एक इस प्रकार की योजना है जिसमें देश के 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो बहुत सारी इस प्रकार की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, खाने की दृष्टि से, हर दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से। आप देख रहे हैं कि किसान के हित के अंदर प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना करें जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि सैकड़ों योजनाएं इस प्रकार की हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब योजनाओं का आपके सामने बखान कर सकूं जी, जी। आपको बहुत सारी बातें मेरे से पूछनी हैं जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो देश हित में और गरीब हित के अंदर, दलित और पिछड़े हित में जो काम किया है वो अद्वितीय काम है। तो अब आप जो थे किसानों की आय दुगनी करवा की बात कर रहे हो, उनके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड है या जो है सिंचाई योजना भी माननीय प्रधानमंत्री जी चलाई, तो आपका क्षेत्र में 2022 तक जो टारगेट है अपना माननीय प्रधानमंत्री जी को वो पूरी करवा का तनी आपका कई प्रयास? एक तो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो काम किया है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि हम जिसको कहते हैं, कृषक सम्मान निधि, किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की बात। दूसरा, अभी उन्होंने 2-3 मंत्रालय नए बनाए हैं। जल की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, भारत में हर आदमी को शुद्ध जल चाहिए, तो उन्होंने एक अलग मंत्रालय बना दिया, सारे जल संबंधित विषय इकट्ठे करके जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। और राजस्थान और सीकर के लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि हमारे सीकर के मैरोली में पैदा हुआ भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और राजस्थान का एक लाडला, उनको ये जिम्मेदारी दी है जल शक्ति, क्योंकि राजस्थान जानता है जल के महत्व को। बिल्कुल, हो सकता है पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जहाँ गंगा यमुना बहती हैं जी, वो पानी के महत्व को इतना नहीं समझते हों, लेकिन राजस्थान पानी के महत्व को समझता है, तो इसलिए उनको जिम्मेदारी दी है। इसी तरह से किसान का बेस जो मूल आधार है वो कृषि है, और कृषि के साथ में पशुपालन है। तो किसान की पशुपालन की दृष्टि से आय कैसे बढ़े, किसान पशु कैसे ठीक पाल सकता है, इस दृष्टि से उन्होंने पशुपालन मंत्रालय अलग बनाया है, बिल्कुल एक अलग से मंत्रालय खड़ा कर दिया ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके जी। और उसके अंदर एक योजना गोपालन के दृष्टि से एक योजना लेकर के आए हैं,
तो भारतीय नस्ल जो गाय की नस्ल है उस नस्ल को कैसे डेवलप किया जाए, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं कि किसान की खर्चा कम हो और आमदनी बढ़े जी, ये दोनों हो, कम खर्चे के अंदर अधिक इनकम हो, उसके लिए सस्ते मूल्य पर दवाएं, सस्ते मूल्य पर खाद, सस्ते मूल्य पर बीज, और इस प्रकार के बीज जो उपज अधिक दें, भारतीय बीज संरक्षक हो और अधिक उपज दें, तो ये बहुत सारे विषय हैं जो प्रधानमंत्री जी सक्रिय हैं। अभी दो दिन पहले की बात है, सारे भारत के जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको कहा गया कि आप किसानों को बुलाओ और किसान पानी का ठीक उपयोग कैसे कर सकें। मैंने भी पलसाना फतेहपुर के अंतर्गत और कांकरड़ा के अंतर्गत ढोडसर जी दो कार्यक्रम अटेंड किए, तो प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार कृत संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, वो होकर के रहेगी। स्वामी जी, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कदम मिले कौन है था लोगों के मार्फत ही मैं वहाँ की भावना ने और वहाँ का संदेशा ने और वहाँ की इच्छा ने समझ पाऊँ। तो प्रधानमंत्री जी कही है कि हमेशा स्वस्थ रहबा की बात करें और हरेक ने टारगेट दे दिया करें, सांसद ने भी टारगेट दे दियो कि भाई बड़ी बड़ी बात मत करो, एक गांव चुनो और उन्हें आदर्श ग्राम बना दिखाओ। मैंने तो पिछला कार्यकाल में जो थे आदर्श गांव चुने उनकी कई स्थिति है और इस साल इस बार वो जो कार्यकाल था को चालू हुई है इनमें थे कशा गांव ने आदर्श गांव का तानी चुने। पिछली बार एक गांव मैंने लिया था चला, नीम का थाना का चला जी, उस गांव में काफ़ी काम हुए, पेयजल की समस्या का समाधान हुआ, बहुत बड़ा संकट था, 3,48,00,000 रुपये की योजना के साथ में वहाँ पेयजल की समस्या का समाधान हुआ, स्वच्छता की दृष्टि से वहाँ नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण किया, और जो बात आपने की फिटनेस की, मैंने पिछली बार भी मेरी लोकसभा के 9 गाँव को जिम दिए, तो चला के अंदर भी एक जिम का निर्माण किया। आपका भी हमारे सीकर का एक गांव है थोरासी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, मैं स्टेट हेडक्वार्टर की बात कहता हूँ, इस प्रकार के आपको स्टेडियम नहीं मिलेंगे जो आपको थोरासी मिलेंगे। ग्रासी लोन है, 2 बास्केटबॉल के ग्राउंड, 2 वॉलीबॉल के ग्राउंड, खो खो का अलग, कबड्डी का अलग, फुटबॉल का अलग, हॉकी का अलग, वहाँ भी मैंने 11,00,000 रुपये लगा करके जिम दिया है, और एक आधुनिक जिम अगर कहीं देखने को मिलेगा आपको थोरासी मिलेगा। अभी मैंने इस बार जीर्ण माता को, कल ही मैं वहाँ गया था, संयोग है आप आज आपके साथ बैठा हूँ, जीर्ण माता को मैंने गोद लिया है, और सबसे पहले मैंने एक ही बात वहाँ जीर्ण माता के गांव के लोगों को बुला करके कही कि अपने को सबसे अधिक ध्यान देना स्वच्छता को जी, हम इस गांव को स्वच्छ बनाएं, पवित्र बनाएं, यहाँ हर बात का आपस के भाईचारा रहे और ये रहे, तो मैं समझता हूँ कि चला में बहुत विकास के काम हुए हैं, आज वो गांव बहुत ही एक विकसित गांव की तरह से दिखाई देता है। आदर्श गांव का अभिप्राय प्रधानमंत्री जी का केवल ये नहीं था कि भौतिक स्ट्रक्चर खड़ा करते, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों में भाईचारा पैदा हो, लोगों के अंदर चरित्र का निर्माण हो, तो इस प्रकार से उन्होंने एक चीज़ को लिया है, और इस दृष्टि से मैंने हमारे जिला खेल स्टेडियम के अंदर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ लगभग 50,00,000 की लागत से एक सुविधा डेवलप करूंगा मैं युवाओं के लिए, साथियों के लिए, सुबह 1,000 नौजवानों पर खेलने के लिए आता है। तो आदर्श गांव का अभिप्राय प्रधानमंत्री जी का ये था कि गांव स्वावलंबी हो, अपने फैसले खुद करे, कोर्ट कचहरी में कम जाए, नशे पते से बचें, खुद भारत की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर के इस बात की चिंता की कि हमारा देश जिस प्रकार से नशे की तरफ बढ़ रहा है वो उचित नहीं है, उसको कम किया जाए। तो जी हिसाब से थे जगह जगह अपने क्षेत्र में जिम खोले हो, वही तर्ज पर योग केंद्र खोलवा की भी था कि कुछ योजना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 महापुरुषों को धन्यवाद देना चाहूँगा, योग गुरु स्वामी रामदेव जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। स्वामी रामदेव जी ने योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रसारित किया। पहले योग केवल मात्र साधुओं की चीज़ मानी जाती थी कि साधु संन्यासी योग करते हैं जी। आम आदमी का योग से कोई लेना देना नहीं था। स्वामी रामदेव जी ने जन जन तक योग को पहुंचाया और उसको राजकीय स्तर के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कैसे किया जा सकता है, इस काम को माननीय मोदी जी ने हाथ में बिगड़ लिया और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवा करके स्थापित किया है। आज 192 देशों के अंदर लोग योग कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में हमारे देश के नौजवान वहाँ पर योग सिखा रहे हैं, 4-5 तो मेरे शिष्य हैं जो विदेशों में आज योग सिखा रहे हैं। तो
मैं जिस गांव के अंदर ये अभी जीर्ण माता में वहाँ पर एक बहुत सुसज्जित योग का केंद्र चालू करेंगे हम, और भी मेरे लोकसभा के अंदर बहुत सारे गांव के अंदर हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। मैं समय समय पर बाहर से भी योग शिक्षकों को बुला करके, चाहे वो पतंजलि योग समिति है या और संसाधन है, उनके माध्यम से योग शिक्षकों को बुला करके लोगों को जागरूक करेंगे। योग न केवल फिजिकल फिट करता है, आज जो युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यदि आदमी निश्चित रूप से योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दे तो हमारी भारत के अंदर से सुसाइड नाम की चीज़ को हम जड़मूल से ख़त्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पूज्य महात्मा गांधी जी, आपका विचार में स्वतंत्रता सो भी ज़्यादा स्वच्छता ने महत्वपूर्ण मानता, कटे भी जाता तो अगर दो घंटा को वहाँ कार्यक्रम होता तो पहले को एक घंटों साफ सफाई कराता और एक घंटा में अपनी बात कहता। माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ का विचार से बहुत प्रभावित है, तो मैं था यहाँ जानना चाहूँगा आपको जो क्षेत्र है सीकर, उसमें कतरा गाँव ODF आप मान सका फिलहाल, या कतरी पंचायत समिति में मुकाम? सीकर की सबसे पहला जिला ऐसा है सीकर का कि जिसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्वच्छता का पुरस्कार मिला। मैं जिस गांव के अंदर आश्रम है पिपराली पंचायत समिति, उस पंचायत समिति को और उस पंचायत को, पिपराली पंचायत और पिपराली पंचायत समिति दोनों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। और कल ही हमारी दिशा की बैठक थी, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट तय किया है कि हमारे सीकर का प्रत्येक गांव स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कचरे निस्तारण का प्रबंधन होना चाहिए। और 2 अक्टूबर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि प्लास्टिक की थैलियों के निस्तारण के लिए प्रत्येक नागरिक, ये कोई सरकारी काम नहीं है जी, हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर के, तो सीकर जिला स्वच्छता की दृष्टि से काफ़ी अग्रणी है और सीकर जिले को पुरस्कार भी मिला इस दृष्टि से। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जी की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाएंगे और उनका स्मरण करेंगे जी, उसमें और अधिक संकल्पबद्ध होकर के पूरे जिले को स्वच्छ करने का संकल्प हम लेंगे। और मैं तो भाई बहनों से यान के वो चाहूँगा भाई, प्लास्टिक मुक्त बनावा का तानी 2 अक्टूबर को इंतजार क्यों करो, आज से ही कर दो, बढ़िया काम है। तो अभी से नहीं, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी तभी लेकर के आए हैं, मैंने सीकर में 2009 के अंदर हमारे एक साहित्यकार हुए मनसुख रणुआ, वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, तो उनका दुर्घटना हो गई थी, उनकी पुण्य स्मृति में पहली पुण्य स्मृति को ही हमने स्वच्छता अभियान चलाया। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी, 5,000 छात्र और क्षेत्र के लोग मेरे साथ खड़े होकर के हमने 200 ट्राली कचरा शहरों की गलियों से उठा करके बाहर डाला, एक जन आंदोलन बना और सीकर के लोग अब भी इसके लिए जागरूक हैं जी, स्वच्छता की दृष्टि से हम सब लोग जुटेंगे। थोड़ी सी बात बालिका शिक्षा की जो करवो चाहूँ कि प्रधानमंत्री जी को एक नारो है कि बालिका पढ़े बालिका बढ़े, और बालिका के ताणी वहाँ को विशेष आग्रह रहा करें बालिका शिक्षा के प्रति, आपका क्षेत्र की कैसी स्थिति? प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं समझता हूँ ये हमारी भारतीय मूल संस्कृति का एक सूत्र है। हमारी संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी महिला को, नारी को जो सम्मान दिया है वो बहुत बड़ा सम्मान दिया उन्होंने। आज से 150 साल पहले आर्य समाज की स्थापना की उससे पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जहाँ महिला का सम्मान होगा, जिस घर में महिला शिक्षित होगी वो घर स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा। तो हमारे जहाँ सीकर की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब झुंझुनू में आए थे तो सीकर को महिला शिक्षा के क्षेत्र से प्रथम पुरस्कार दिया था। और सीकर की बेटियां, तो एक बेटी तो वसुंधरा सरकार के समय में एक योजना लागू की गई थी कि 10वीं और 12वीं की जो लड़कियां हैं, 3 बेटी 10वीं की और 3 12वीं की जो बोर्ड में टॉप करेंगी वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ सकती हैं, उसका सारा खर्चा भारत सरकार देगी। हमारी श्रीमाधोपुर की एक बेटी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, आज वो बेटी कैलिफोर्निया में पढ़ रही है, सारा खर्चा सरकार दे रही है। तो खेल की दृष्टि से भी सीकर जिला अग्रणी है, हमारी बहुत सी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके आई हैं। तो हमारे यहाँ हॉकी का विंग है बावड़ी के अंदर, तो हमारी हॉकी की टीम लड़कियों की वो राष्ट्रीय स्तर पर गई है। तो सीकर केवल मात्र
टोटल शिक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि महिला शिक्षा में आज पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश का एक नंबर जिला है। तो शिक्षा और बेटी बचाओ के अंदर भी हमने जो प्रोग्रेस किया है वो सीकर ने बहुत प्रोग्रेस की है। खाटू श्याम को केवल सीकर जिला में ही नहीं, केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरा भारत से बहुत लोग दूर दराज से दर्शनार्थी आवे है। तो वो जो धार्मिक पर्यटन एक प्रकार से विस्तार पातो जा रही है, तो वो धार्मिक स्थल ने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा युक्त करवा के ताणी आपका कई प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के मुख्य पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल, इनको हम कैसे विकसित करें, और वसुंधरा जी का तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था कृष्णा सर्किट के तहत, ये खाटू श्याम जी के मंदिर को लिया। श्री कृष्ण और उनसे संबंधित जितने भी मंदिर थे, जितने भी धार्मिक स्थान थे, उनको विकसित करने के लिए सरकार की एक परियोजना आई। 81 करोड़ रुपया हमने खाटू के लिए स्वीकृत करवाया, और आप अब जाकर के कभी देखेंगे तो खाटू की सारी सड़कें सीमेंटेड हैं, सीसी रोड बन चुके हैं, और खाटू में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए पहले एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, यात्री आ रहा है होटल में, धर्मशाला में उसको जगह नहीं मिली, कहाँ स्नान करेगा, काम करेगा, बिना स्नान किए पूजा नहीं कर सकता। तो लगभग 200 पुरुष और 200 महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की व्यवस्था, और महिलाओं के लिए ड्रेसिंग रूम, ड्राइवर के लिए 50 टॉयलेट की व्यवस्था अलग, आवास की व्यवस्था अलग, विश्राम गृह डेवलप किए गए हैं, लॉकर्स की व्यवस्था की गई है, सामान सुरक्षित, हजारों आदमी अपना लॉकर्स में अपना सामान रख करके और जा करके वहाँ पर पूजा करके दर्शन करने के बाद वापस आकर के प्रस्थान कर सकते हैं। ड्राइवर भटकते रहते थे, उनको सुविधा नहीं मिलती थी, ड्राइवर्स के लिए वेल अप टू डेट बाथरूम में उपलब्ध होंगे, आराम से स्नान करके विश्राम करें, क्योंकि ड्राइवर को विश्राम नहीं मिलेगा तो लंबी दूरी से चल के आएगा, फिर जाएगा, दुर्घटनाएं होंगी। तो खाटू के अंदर 81 करोड़ की लागत से जो सुविधाएं दी गई हैं, अभी कुछ दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जीन माता को भी उसी तर्ज के ऊपर ले रहे हैं। मैंने हमारी सेखावाटी के जितने धार्मिक स्थल हैं, खाटू श्याम जी, जीण माता जी, सालासर बालाजी, इधर लोहारगल जी, इधर छाकमरी, इन सब का एक सर्किट, और हर्षनाथ जी, माउंट आबू के बाद में सबसे ऊंची अगर को पहाड़ी है तो हर्ष पहाड़ी है, और उसके ऊपर 11वीं शताब्दी का हर्षनाथ का मंदिर, जो कभी खंडित कर दिया गया था औरंगजेब के समय में, तो उस मंदिर का एक ऐतिहासिक स्वरूप है जो वहाँ के म्यूजियम के अंदर भी है जी। उसको मैं डेवलप करवा रहा हूँ। अभी माननीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद जी पटेल जी से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने भी ये बात कही है कि इस पूरे सेखावाटी का जो धार्मिक क्षेत्र है, इसको डेवलप करके और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, ऐसा मेरा मन है। तो इनमें तो कोई शक ही कौन है कि थे जो तमाम तरह का विकास कार्य कर रहा हो, उनके कारण ही जनता था ना दोबारा मौको दियो है, और माँ की सद्भावना तो यही है कि भाई थे आगे भी लंबो जो है राजनीति में था को काम करता रहो, और थीमा का कार्यक्रम में पधारिया, बहुत चौकी जानकारी दी। मन उम्मीद है कि इस जानकारी से माँ का भाई बहन लाभान्वित भी हुआ होला, और अगर कोई शंका समाधान है तो माँ की शंका को समाधान भी माँ को हुआ होगा। तो कार्यक्रम पधारिया, घना घना धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, आपने बुलाया।